गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। देखिए, माइंड एंड बॉडी आर वन। हम लोग आज सोचेंगे सोच का प्रभाव। माइंड एंड बॉडी आर वन। हमारा जो माइंड है, जो ब्रेन है और जो बॉडी है, ये एक है। ये हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है, जो बैकबोन है, वो यहाँ से शुरू होती है, गर्दन से, और पूरी रीढ़ की हड्डी तक जाती है। और ब्रेन जो है उससे कनेक्टेड है। ब्रेन से मेडुला होता है, नीचे जाता है मेडुला। मेडुला उसकी एक वो होता है पार्ट ब्रेन का, वो उससे कनेक्ट होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से। और स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स हैं वो पूरी बॉडी में जाती है, हाथ में, पैर में, उंगलियों में, सब में। तो सारे गुरु के शुक्राने हैं कि काफ़ी हमारी बीमारियाँ सोच से होती हैं। काफ़ी तकलीफें हैं, काफ़ी बीमारियाँ सोच से होती हैं। और इतना ज़्यादा मतलब गुरु जी ने बताया और फिलोसफर साइंटिस्ट सब बताते हैं कि माइंड एंड बॉडी आर वन। अगर आप सोचेंगे मैं दुखी हूँ, तो पूरी बॉडी को, हर ऑर्गन को सिग्नल मिलेगा कि हम दुखी हैं, और वो दुखी हो जाएगा। अगर हमें हम कहते हैं अपने आप से कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, तो बॉडी को सिग्नल क्या मिलता है, सब ऑर्गन्स को, कि आई एम वेरी हैप्पी। लिवर इज़ हैप्पी, हार्ट इज़ हैप्पी, लंग्स आर हैप्पी, एवरीथिंग इज़ हैप्पी। एवरी सेल एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी फील्स दैट हैप्पीनेस। तो ये जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है और ये सब बातें हैं, ये हमारे ब्रेन को मतलब सिग्नल मिलता है। तो गुरु कहते हैं इसलिए कभी भी यू कैनॉट हैव द लग्जरी ऑफ इवन वन नेगेटिव थॉट। एक भी नकारात्मक विचार मत रखिए, भले ही शरीर में कितनी भी तकलीफें हों। यदि शरीर में है, मैं तो आत्मा हूँ, इसमें है, इलाज करो, इंतज़ार मत करो। भगवान सब भली करेंगे, गुरु सब भली करेंगे, जो होगा अच्छा ही होगा। तो सोचिए मत, सोची सोचना हो चाहे सोचे लग बार, सोच सोच के हम और अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं। तो गुरु कहते हैं कि सोचना नहीं है, और अच्छा सोचे तो भगवान का नाम ले। इसीलिए भगवान का नाम क्यों, दो तीन प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे, भगवान का नाम सब ले रहे हैं, बराबर ले रहे हैं, रात और दिन ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, शुक्राना 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 बोल रहे हैं या भूल गए हैं। और एक हमने क्या बताया था, सावधान। सावधान है, गलत नहीं सोचना, गलत नहीं बोलना, गलत नहीं कहना, हमेशा अपने को चेक करना, ज़्यादा नहीं बोलना। कभी कभी हम ज़्यादा बोल जाते हैं, मन तो पीछे से कह रहा होता है रुक 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 रुक, पर फिर भी हम बोल जाते हैं, क्योंकि वेग आ जाता है ना। वेग को कंट्रोल करने के लिए मेहनत चाहिए। कभी कभी बह जाता है आदमी। तो गुरु कहते हैं सोच का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव। कितने लोग सत्संग में आते हैं, मैंने अभी इन लोगों की आपकी बीमारियां तो नहीं सुनी, पर काफ़ी तो कुछ पता है। पर जो लोग मोहन निवास पे हैं उन लोगों को भी देखते हैं, काफ़ी ठीक हो जाती है। तो भगवान का नाम, हमारी सोच, गुरु का प्रेम, नित का सत्संग, हमें काफ़ी हद तक, और एक्सरसाइज एंड वॉकिंग, पैदल और परहेज, काफ़ी हद तक हमें ठीक कर देता है। क्या खाते हैं हम, बोले जो हम खाते हैं वही खाना नहीं है, जो हम सोचते हैं वो भी खाना है। तो इसलिए सोच को भी ठीक रखें और प्रसाद को भी ठीक रखें, दोनों को ठीक रखें।
और काफ़ी कुछ न्यूट्रिशन के बारे में भी आपको बताते रहते हैं, काफ़ी बताते रहते हैं सत्संग में। तो ये सब अब देखिए, सोच अपनी जगह है, सत्संग अपनी जगह है, पर आप वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, कुछ ना कुछ जरूर, और सत्संग सुनिए, भगवान का नाम लीजिए, तो आप काफ़ी हद तक ठीक ही रहेंगे। और फिर शरीर की अपनी अपनी प्रारब्ध होती है, तो प्रारब्ध कैसी होती है, देखिए हम सारे अच्छे कर्म करके तो नहीं आए हैं, मिले जुले हमारे कर्म थे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, तो कुछ जीवन में कुछ सुख है और कुछ दुख है, मतलब कुछ दुख मतलब तकलीफ है। तो अब हम तकलीफ को न माने तो तकलीफ नहीं है, माने तो बहुत तकलीफ है। तो क्या कहें, ठीक हूँ मैं, बिल्कुल आई एम परफेक्टली ऑल राइट, तो फिर क्या आपको अच्छा लगेगा, आपको ठीक लगेगा, मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहाँ दर्द है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉब्लम्स को याद करेंगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। तो अपने से यही कहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, भगवान के राज में सब बढ़िया। जैसे उन्होंने बताया, मैं 10 किलोमीटर चलता हूँ रोज। 70 साल के तो होंगे आप, 72 के हैं, और 10 किलोमीटर रोज चलते हैं, बताइए कितनी हिम्मत है, गुरु कृपा। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। तो गुरु भगवान कहते हैं कि हमेशा याद रखें कि ब्रेन से ही सारे सिग्नल्स हमारे आ रहे हैं, मन से उलझो नहीं, जैसे ये मन है वैसे रहने दो, मन से जीत नहीं सकते, मन से अलगाव कर सकते, मन से उलझो मत, ये विचार क्यों आ रहा है, वो विचार क्यों आ रहा है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। देखिए मन तो उसको आप कभी मन मतलब मन की बातें कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, होंगी बोलिए, नहीं ख़त्म, मन की बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती। क्या करें, मन से उलझो मत, उससे अलगाव कर और नाम जप कर। मन से अलगाव कर लो, आई एम नॉट द माइंड, मन में आ रही है, मेरे में नहीं है, मन में आ रही है, आई एम द सीयर ऑफ द माइंड, मैं मन का दृष्टा हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं से क्यों कोई क्यों बहाया जा रहा हूँ, इसमें रिपीट हो रही है तो आप उसको देखिए, रिपीट हो रही है थोड़ी देर में आप देखते रहेंगे, भाग जाएंगे, नाम जप करिए, हे नाथ बचाओ बचाओ, हे नाथ बचाओ बचाओ, कह रहे मन से उलझो मत। एक सोच है मैं करूँगा, मुझे करना पड़ता है, एक है भगवान कराएंगे। एक है मैं करूँगा, मुझे करना पड़ता है, इतना काम है, इतनी प्रॉब्लम है, इतनी परेशानी है, और एक है भगवान कराएंगे। सोची सोच ना हुए, चाहे सोचे लख बार, लख साणव हुए एक न चले नाल। बोले हमारा सोचा हुआ नहीं होता है, हम कितनी भी होशियारी कर लें तो क्या करें, सरेंडर। हमारे दादा भगवान का पॉइंट है, मैन इज 98% मेंटल एंड 2% फिजिकल। तो मेंटल जो है वो ज़्यादा है, 98%, तो अगर मेंटल को ठीक कर लें तो अगर माइंड को ठीक रखें तो सब ठीक हो जाए। तो क्या करना है, मन को भगवान के नाम में, शुक्रानों में, सकारात्मक सोच में, सबकी सेवा में लगा के रखना है, पढ़ने लिखने में, जो व्यस्त है वो मस्त है।
व्यस्त पॉजिटिव में रहे, भगवान में रहे। क्योंकि अंत में हमें ये, जैसे गुरु भगवान ने कहा कि हमें भगवान नहीं चाहिए, किसी को भगवान नहीं चाहिए, हमें चाहिए या नहीं? नहीं चाहिए। चाहिए तो फिर मेहनत करिए, भगवान का नाम लीजिए। एक ध्यान भगवान की तरफ लगा के, क्योंकि देखिए कुछ भी काम नहीं आता है अंत में, अंत में कुछ भी काम नहीं आता है। अगर कोई तकलीफ हो जाए तो कौन काम आता है, किसको बुलाते हैं, किसको याद करते हैं? हे नाथ, हे भगवान, हे, आप तो नहीं, हे भगवान नहीं कहते, अब तो हे नाथ ही कहते। तो वही हमारे जन्मों जन्मों की माँ है, उन्हीं को पुकारते हैं। तो मैन इज 98% मेंटल एंड 2% फिजिकल। माइंड को ठीक रखिए यार, सब खुश रखिए। देखिए अम्मा जी के बारे में बताया होगा आपको भगवान जी ने, कि अम्मा जी जो थे उनको सत्संग का गुरु भगवान, उनके गुरु ने बताया, उन्होंने गीता में भी पढ़ा कि अगर तुमने गुरु से ज्ञान लिया और उसको जीवन में नहीं लगाया और औरों को नहीं दिया तो तुम चोर हो। अम्मा जी इस बात को बहुत कहते थे, आपको याद होगा, आप लोगों को याद होगा, तुम चोर हो। तो उनको लगता था नहीं, मुझे गुरु ने जो मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिली, इतना भगवान का मन निश्चय पक्का हुआ मेरा, तो वो मैं मतलब उसको मैं गुरु का कर्जा उतारना चाहती। अगर हम अपने में जीवन में भी ना लगाएं, अपना उद्धार भी ना करें और औरों को भी ना दें ज्ञान, तो हम कर्जदार हो जाएंगे? नहीं, कर्जदार हो जाएंगे। जो चीज़ जितनी व्यापक होती है, जो चीज़ जितनी सूक्ष्म होती है उतनी व्यापक होती है। अब विचार और भाव सबसे सूक्ष्म है ना, है या नहीं? तो वो सारे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं, वेव्स, वेव्स है ना, आपके थॉट्स, आपके भाव, आपके विचार, सब वेव्स हैं। तो वेव्स सारे में फैल जाती है। तो गुरु कहते हैं हम जैसी सोच में होते हैं वही सारी एटमॉस्फेयर में जो सोच फैली हुई है लोगों की, उसको ही हम कैच कर लेते हैं। जैसे बहुत पुराना दृष्टांत है ना, वो देवदूत पोटलियाँ बना रहा था, बोले किसके, बोले प्रेम की है, ये शुक्रानों की है, ये सत्संग की है, ये द्वेष की है, ये अहंकार की है, ये क्रोध की है। बोले क्या करोगे इनका, बोले जिसके मन में जो विचार आएगा उसके मन में डाल दूंगा। तो पूरी पोटली मिल जाती है। इसलिए अगर हम अच्छा सोचेंगे, प्रेम में रहेंगे, शुक्राना मानेंगे, भगवान के भगवत भाव में रहेंगे, तो वो सारी वाइब्रेशंस हम एटमॉस्फेयर की कैच कर लेंगे, संतों की वाइब्रेशन कैच कर लेंगे। कितना फायदा है, कितना लाभ है। मन बेचे सदगुरु के पास तिस सेवक के कारज रास। मन को सदगुरु को दे दो, क्या रे मैंने तो दे दिया था, बेच दिया, अब क्यों मेरे पास आ गया, तू वहीं जा। है ही भगवान तो सोच का क्या काम, ठीक, है ही भगवान तो सोच का क्या काम। जब है ही भगवान तो क्यों सोचे, अदर इज हेल। दूसरा देखना नर्क है। कश्ती का रुख बदलें तो किनारे बदल जाएंगे, नजरें बदलें तो नज़ारे बदल जाएंगे, और सोच बदलें तो सितारे बदल जाएंगे। सितारे बदल जाते हैं। गुरु कहते हैं, अब जैसे पुराना दृष्टांत है कि एडिसन
जब पढ़ते थे तो उन्हें थोड़ा कम सुनाई पड़ता था। स्कूल में गए तो टीचर ने कहा कि आपका लड़का जो है वो कुछ वो है, तो समझ नहीं है उसको, उसका ब्रेन कुछ कम डेवलप्ड है, आप इसको स्कूल ने स्कूल से उनको निकाल दिया। तो उन्होंने कहा जाकर, तो बेटे ने कहा कि टीचर ने क्या कहा है। उन्होंने कहा, बोले उसकी माँ ने कहा कि टीचर ने कहा है कि तुम्हारा बच्चा इतना होशियार है कि इस स्कूल के लायक नहीं है, और मैंने भी उससे कह दिया कि तुम मेरे बेटे को नहीं समझती, मैं उसे घर में पढ़ाऊँगी। वो कौन बना? कितनी बड़ी सोच है, देखिए माँ की कितनी बड़ी सोच है। तो एडिसन बने और उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन करा, और जब उनकी पूरी फैक्ट्री जल गई, खाक पड़ी थी उनके सामने, तो उन्होंने कहा, तो लोगों ने कहा, अरे आपकी तो पूरी फैक्ट्री जल गई, कब से बल्ब बनाने का आविष्कार कर रहे थे। उन्होंने कहा, नहीं मेरी सारी गलतियाँ जल गई, अब मैं नई तरह काम करूँगा। पॉजिटिविटी की हद, सोच है सब, अरे हम तो बर्बाद हो गए, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, हमारे पास तो कुछ नहीं रहा। और ये कहते हैं भाई शरीर शालिम है, घर है, सब कुछ तो है, सिर्फ सोच है। एक पत्थर बैलगाड़ी के नीचे आ जाता है तो पूरी बैलगाड़ी हिल जाती है, नहीं? तो एक गलत सोच, एक गलत भाव, एक गलत चाहना आपको पूरा हिला देती है, पूरा। फिर वापस लौटने में टाइम लगता है। कंधे का बोझ आपको कुछ देर थकाता है, परंतु मस्तिष्क का बोझ आपको जीवन भर थकाता है, है ना? कंधे पे जो बोझ होता है वो आपको थोड़ी देर थकाता है, पर मस्तिष्क का बोझ आपको हर समय थकाता है। वो आता है ना एग्जाम्पल कि ग्लास पकड़ रखा है, तो भाई 5 मिनट पकड़ो हर कोई पकड़ लेगा, 10 मिनट पकड़ो थोड़ा हाथ थकेगा, आधा घंटा पकड़ो और थकेगा, और पूरे दिन पकड़े रहो तो हाथ सुन्न हो जाएगा, पकड़ ही नहीं सकता। और मस्तिष्क का बोझ, गुरु भगवान के शुक्राने हैं।